स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से नया कुछ लेकर के आए हैं, एलोवेरा। ये देखिए, ये हमारे घर में लगाया हुआ है। इस तरह से दो हमने लिया है। इसको बालों में यूज करने से बालों का जो ग्रोथ रहता है वो बढ़ता है, मुलायम भी होते हैं और फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथ और सिल्की होते हैं इससे बाल। इसमें हम फ्रेंड्स और भी कुछ ऐड करेंगे। देखिए, फूल हैं जो हमने मंदिर पर चढ़ाए थे, सूख चुके हैं, उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बाकी आप उसमें कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं और अड़हल का फूल होता है उसको भी डाल सकते हैं। और इसको हम ऐसे अभी इसको छोटा छोटा हम काट करके, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इसको ऐसे काट लेना है। उसके बाद इसके अंदर का जो है, ये जो भाग है, इसको हम इसमें डालेंगे। जिसे हम गुदा बोलते हैं, ये देखिए इस तरह से ये वाला जो भाग रहता है, ये चीज। अभी हम धीरे धीरे करके इसमें सब ऐसे निकाल ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने काट लिए हैं, आप देख सकते हैं ये अलग हो चुका है और इसका ये छिलका है। अब इसको हम इसमें मैंने जो गुलाब की वो जो गुलाब की पत्ती थी, ये देखिए गुलाब की पत्ती भी इसमें डाली है और फूल भी डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको हम मिक्सी में इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा हो चुका है, ये ऐसे है। पीसने के बाद इस तरह से था, इसको हम कटोरी में डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा, अब इसको हम अपने बालों में किस तरह से लगाते हैं बताने जा रहे हैं। पहले तो हम बालों को बढ़िया से पहले धुल लेना है। धुलने के बाद, सूखने के बाद इस तरह से बाल को कम कर लेना है और उसके बाद फिर लगाना है। देखिए इस तरह से हल्का हल्का मसाज करते रहना है। और ये जो कंघी की सहायता से बीच बीच में इस तरह से लगाते सकते हैं। दोस्तों मेरे बाल पूरे झड़ चुके थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बाल हैं ये एलोवेरा लगाने से ही वापस आए हैं। मैं अपने बालों से बहुत परेशान हो चुकी थी, सब लोगों ने बोला दवा कराओ, और फिर दवा भी हमने काफ़ी मंगाया था, एक तो 2000 का मंगाया था, फिर 1500 का मंगाया था, बहुत सारे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने बोला कि आप एलोवेरा जेल यूज करिए, तो मैंने सोचा कि एलोवेरा जेल बहुत काफ़ी महंगा पड़ जाता है, 200 रुपये का, 250 रुपये का आता है। तो मैं सोचा मेरे घर में तो खुद एलोवेरा लगा हुआ है, हमने लगाया है घर में एलोवेरा, क्यों ना हम इसको यूज करें। तो मैंने यूज करना शुरू किया, उसे 2 दिन के बाद से फ़र्क दिखना महसूस हो गया मुझे, और मैं इसी तरह से डेली लगाती हूँ। आप इस तरह से फ्रेंड्स इसको ऐसे लगाने के बाद आप लोग कंघी कर सकते हैं। कंघी कर लेने पर ऐसे पूरा मिल जाता है अच्छी तरह से, और जो बचा हुआ है थोड़ा सा इसको हम इस तरह से पूरा लगा देंगे। इसे लगाते जाएंगे बाल, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भीगा हुआ है बाल आपका, इस तरह से
दोस्तों मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला है एलोवेरा इस तरह से लगाने से। मेरे बाल काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए थे, बाकी काफ़ी बाल यहाँ से तो सारे बाल मेरे निकल गए थे, यहाँ पर पूरा ये सब दिख रहा था अंदर से, जो ये सब वाइट वाइट सब दिख रहा था, बाकी से मैंने गला पूरा देखिए मैंने पूरा लग चुका है, पूरे बाल में मैंने लगा लिए हैं। पूरे बाल को मैं इस तरह से पूरा कमी कर लूँगी। फ्रेंड्स मैंने जो वीडियोज़ बनाया है वो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें कि मेरा वीडियो कैसा लगा। इस तरह से बाल को आप बंद कर लीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए सीखने के बाद जैसे बाल धुले हुए होते हैं उस तरह से आपको लगेगा, और फिर दो दिन तीन दिन के बाद जब भी आप हफ्ते में दो बार एक बार तीन बार धुलती हैं बाल, उस समय धुलेंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे वो हमारे बालों में लगा रहता है जिससे और ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है। तो फ्रेंड्स जो वीडियो पसंद आई हो हमारी उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया उन्हें सब्सक्राइब करें। नमस्ते।